पर फर्स्ट पैराग्राफ ही इंट्रोड्यूस करवाया हमें इस गाने यस, का और ये। सेकंड की फर्स्ट लाइन हाँ हेलो गाइस, तो गाइस वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं लव हॉलिक एल्बम की का इंट्रो इंट्रो बाय प्रभ गिल जी। यस गाइस, मतलब काफी बढ़िया आर्टिस्ट लगते हैं मुझे प्रभ गिल। मुझे मतलब इनको मैं एज जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत टाइम बाद अपनी एल्बम या सॉन्ग लेके आते हैं पर एकदम कुक्का चीज लेके आते हैं। बहुत रोमांटिक सिंगर आए हैं, सैड सॉन्ग्स भी आए हैं इनके और रोमांटिक सॉन्ग भी, रोमांटिक सॉन्ग्स भी आए हैं। और इनकी आवाज में ना वो सॉफ्टनेस है जो बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग्स में फिट बैठती है। हाँ, चाहे इनके सैड सॉन्ग सुन लो चाहे रोमांटिक सॉन्ग सुन लो, ऐसा ही फील होता है जैसे मतलब रोमांटिक सॉन्ग ही सुन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत स्वीट आवाज है इनकी। तो पहले ये इंट्रो देख लेते हैं एल्बम लव हॉलिक की। और अच्छा, ये ना इंट्रो में कोई सॉन्ग ही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉन्ग रब मिलजू। ओके, इंट्रो में सॉन्ग ही आएगा, कुछ लाइंस होगी। हाँ, रब मिलजू, और इसमें लिरिक्स हैं मनिंदर कैले के, और ये सॉन्ग ही एक्चुअली वहाँ लिखा तो हुआ है लव हॉलिक इंट्रो, पर एज ए इंट्रो में ही ना एक सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इंट्रो लॉन्च किया है, एल्बम का टीजर की तरह दिखाएंगे पर होगा सॉन्ग ही इसमें। तो ये आने वाली है न्यू ईयर अर्ली 2022 लिखा है, शायद हो सकता है न्यू ईयर। हाँ, न्यू ईयर पे आया, मैं कंफर्म नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पे जैसा लिखा है अर्ली 2022, तो ऐसा ही लग रहा है न्यू ईयर पे लॉन्च करेंगे। देसी रूट्स का म्यूजिक है, और मतलब प्रभ गिल जी के गाने मनिंदर कैले के साथ काफी आए हुए हैं। अच्छा, तो ये भी मनिंदर कैले के साथ ही हैं। तो गाइस चेक करते हैं लव हॉलिक की इंट्रो। एडिक्टेड टू लव, कदों नसीब होनिया साहानू साह, कदों नसीब होनिया अखियां नी चुकदा राह तो, अखियां नी चुकदा राह तो खोरे दिल दी राणी कद मिल जू। oh. तेनू वेख के ही मेरी रूह रज दीजे, गण ला लिया ते रब मिल जू। तेनू वेख के ही मेरी रूह रज दीजे, गण ला लिया ते रब मिल जू। ये प्रकिल की आवाज तो नहीं लग रही ना, ये वाली हो। वाओ, एंडिंग बड़ी सही की। हाँ। अच्छा 1 मिनट और 38 सेकंड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि गाना स्टार्ट हो गया तो गाना तो कंप्लीट होगा, पर फर्स्ट पैराग्राफ ही इंट्रोड्यूस करवाया हमें इस गाने का, और सेकंड की फर्स्ट लाइन। हाँ, ये एल्बम ही है ना पूरी लव हॉलिक, एक बार दोबारा चेक कर लें लव हॉलिक। ये गाना है भी हो सकता है, मुझे लग शायद ऐसा भी हो सकता है सॉन्ग की इंट्रो, लेकिन सॉन्ग की इंट्रो तो नहीं है। फॉर द फ्रॉम द अपकमिंग एल्बम ही होगी शायद लव हॉलिक, और उसका ये गाना होगा, फर्स्ट सॉन्ग होगा रब मिलजू, उसका हमें फर्स्ट पैराग्राफ ही रूबरू करवाया है प्रभ गिल जी ने। इतना सुकून मिला ना यार इनको सुनते, जब जब ये स्टार्ट हुए बोलना तो यार क्या मतलब, हम खो जाते हैं इनके सॉन्ग। यही तो प्रभ गिल, तभी तो सबके फेवरेट हैं प्रभ गिल जी। आई डोंट थिंक कि इनका कोई भी हेटर होगा, सब इनको पसंद करते हैं प्रभ गिल जी को। इनकी आवाज में इतना ठहराव है ना। ठीक है, अभी जैसे ये गाना शुरू हुआ था हम भी वैसे ही उसी में लीन हो गए थे। ठीक है, अभी हम तो ऐसा ही एक्सपेक्ट करने लग गए थे अभी पूरा गाना ही चलता जाएगा, है ना। तो यही इनका टैलेंट है, यही मतलब इनकी खासियत है कि जो इनकी आवाज़ है पूरी सूट करती है लव सॉन्ग्स के लिए। हाँ। और जैसे इन्होंने बोला था ना कि इन्होंने अपने इंस्टा पे भी बोला था कि मैं जब तक सेटिस्फाई ना हूँ
अगली मैं रिपीट पे सुनता रहता हूँ और काफ़ी टाइम लेता हूँ एल्बम बनाने के लिए। अच्छा। ज़्यादा एल्बम्स ज़्यादा गाने मैं करता नहीं, पर जो करता हूँ उस पर अपना 200% देता हूँ। और दिख रहा था इसमें, मतलब इनके हर सॉन्ग में दिखता है कि कितना टाइम लेके जो भी चीज निकालते हैं एकदम, मतलब टोटली एंड गल बात करा देते हैं। कितनी सॉफ्ट वॉइस है ना यार इनकी, मतलब जैसे मिश्री नहीं होती, इतना मीठा बोलते हैं ये। और इनका कोई डांसिंग नंबर सॉन्ग आया हुआ है? अभी अभी याद नहीं आ रहा इनका कोई डांसिंग सॉन्ग, पर मुझे वो ये रोमांटिक सॉन्ग और सैड सॉन्ग जैसे कपल डांस करते हैं वो वाले सॉन्ग तो रोमांटिक सॉन्ग्स तो आए हुए हैं, पर हार्डकोर पार्टी सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा होंगे, पर अभी हार्डकोर पार्टी सॉन्ग को याद नहीं आ रहा। मतलब अभी तो अगर इसी टाइम पे याद करें तो 5-6 इनके रोमांटिक सॉन्ग याद आ रहे हैं, जैसे हो ना हो प्यार तेरे दा असर है इनका था, कितना स्वीट सॉन्ग था। yes. फिर अभी एक वो एक तो वो सैड सॉन्ग था तू रोएगा पछताएगा। हाँ. अब बहुत इनकी आवाज में इतना दर्द था उसमें, उसमें लिरिक्स भी जानवी पाजी के थे। क्या इमोशनल सॉन्ग था यार, वाओ वो। यार और जो इनकी तीनों की बॉन्डिंग है जस्सी गिल प्रभगिल और बबल राय, वो तो हमने वो उस सॉन्ग में नहीं देखी थी, उकार सॉन्ग में भी देखी थी। जबरदस्त बॉन्डिंग है इनकी। yes. बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। पर अब ठीक है, अब इस एल्बम का भी वेट रहेगा, न्यू ईयर पे सबको सरप्राइज दे रहे हैं ये। हाँ हो सकता है शायद इस एल्बम में इनका कोई डांसिंग नंबर सॉन्ग हो। हाँ 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 हो सकता है। पर जैसे इनकी आवाज है वैसे तो रोमांटिक सॉन्ग और सैड सॉन्ग ही बढ़िया होते हैं इनके, काफी सूट करते हैं यार। होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी पार्टी सॉन्ग या डांसिंग वाले नहीं है, पर अभी ध्यान में आ नहीं रहे, पर हम चेक करेंगे इसके बाद कि कोई ऐसा सॉन्ग है या नहीं। पर अभी तक इनको रोमांटिक सॉन्ग्स और सैड सॉन्ग्स में ज़्यादा सुना है। हाँ। और वही सुनने में मज़ा आता है। हाँ। ये मतलब ये कुछ वही रोमांस करने का तरीका बहुत अलग तरीके से बयां करते हैं अपने गानों में, है ना। हाँ, और इसमें जो म्यूजिक था यार वो भी काफी अच्छा वो था, लाइट सा म्यूजिक था पर बहुत सुकून देने वाला था। हर सॉन्ग में हम अगर सैड सॉन्ग की बात करें या कोई रोमांटिक सॉन्ग की बात करें उसमें ऐसा ही म्यूजिक होता है इनका, लाइट म्यूजिक। एक सॉन्ग में तो इनके हैंड में गिटार भी था ना। हाँ। मुझे नाम नहीं याद आ रहा सॉन्ग का, वो वाला गाना था शायद एक थोड़ा फास्ट टेम्पो वाला गाना, भी गिटार के नाम से वो याद आ गया। पक्के अमरीका वाले भी आया था इनका, जो लड़की वो लड़की बार वाला बंदा ढूंढ रही होती है। अच्छा। और प्रभगिल जी उस मतलब वो दोनों रिलेशन में होते हैं पर वो बार वाला ढूंढती है, वो पक्के अमेरिका वाले फिरे लबदी, ऐसा ऐसी लाइन थी उसमें, शायद गिटार बजाया था। पर बढ़िया था, बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब परफेक्शनिस्ट हैं ये भी। तो वेट रहेगा इनकी एल्बम का गाइस। अगर आपने ये इंट्रो नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। हाँ। और अब इस रिएक्शन वीडियो को भी हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।